हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 14.4 का 14 कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 में दिया गया है ए प्लस टू दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 8। तो LHS से स्टार्ट करेंगे हम। ए प्लस टू तो ए स्क्वायर 4 प्लस 2 ए प्लस 4 इंटू 2। तो इसमें कौन सी फॉर्मूला का यूज़ किया हमने? x plus a x plus b x square ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट। तो इससे आंसर क्या मिला हमें? ए स्क्वायर 6 है और 4 2 जा होगा इधर 4 और सेकंड ब्रैकेट में 2, राइट, क्योंकि फॉर्मूला में ए बी है। तो 4 2 8 और यहाँ पर बीच में 6 से नहीं दिया गया है, राइट। सो इट इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस, सो वी कैन राइट LHS नॉट इक्वल टू आर एच एस। देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट इज ए प्लस टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 6 ए प्लस 8। देन नंबर 15 वी आर डूइंग, तो 15 में दिया गया है ए माइनस टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 8। तो अगेन LHS एंड सेम फॉर्मूला, ए माइनस टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 2 इंटू ए प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 2, राइट। अगेन x plus a x plus b x square plus a plus b into x plus a b, ये फॉर्मूला का यूज़ किया हमने। तो ए स्क्वायर माइनस 6 a plus 8 होगा, ओके, एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस। आर एच एस में क्या दिया है? ए स्क्वायर माइनस 8, राइट। देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट इज ए माइनस टू दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6 a plus 8, ओके। देन नंबर 16 वी आर डूइंग, 16 3x square by 3x square इज इक्वल टू 0। इसमें जनरली लोग क्या करते हैं, 3x square दोनों कट करेंगे तो क्या बचेगा? 0, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए 0 लिखते हैं, ओके। तो LHS से स्टार्ट करते हैं हम। 3x square upon 3x square, राइट। तो फैक्टर्स करेंगे 3 into x into x into 1, तो 3 into x into x into 1 सब कट जाएगा, ओके। तो 1 upon 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू RHS, राइट। RHS में 0 है, तो अगेन LHS नॉट इक्वल टू RHS, राइट। देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट इज 3x square by 3x square इज इक्वल टू 1, ओके। देन वी आर डूइंग 17,
तो 17 में दिया गया है 3x² + 1/3x² इज इक्वल टू 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ऐसे बताया गया है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं हम, 3x² + 1/3x² तो दोनों के अपॉन में डिनोमिनेटर लिखेंगे 1/3x² तो ये कट हो गया, तो 1 राइट 1 + 1/3x² एंड दैट इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट इज 3x² + 1/3x² इज इक्वल टू 1 + 1/3x² राइट। तो इसका आंसर 1 + 1 2 नहीं आएगा राइट, नॉट इक्वल टू RHS, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ओके देन 18 वी विल डू, एटीन में दिया गया है 3x / 3x + 1 3x + 2 इज इक्वल टू 1/2। तो LHS इज इक्वल टू 3x / 3x + 2 राइट। जनरली लोग क्या कर देते हैं, 3x कट तो 1/2, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके दिस इज नॉट पॉसिबल, तो 3x / 3x + 2 एंड दैट इज इक्वल टू, दैट इज नॉट इक्वल टू RHS, ऐसा नहीं हो सकता। 3x हम काट नहीं सकते। देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट is 3x / 3x + 2 is equal to 3x / 3x + 2 itself, not equal to 1/2 right। Then number 19 we are doing, में दिया गया है 3/4x + 3 इज इक्वल टू 1/4x राइट। तो LHS इज इक्वल टू 3/4x + 3 तो इसमें भी लोग क्या करते हैं, 3 कट हो गया, 1/4x बचा राइट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसमें भी हम डायरेक्ट लिखेंगे 3/4x + 3 नॉट इक्वल टू RHS, RHS में क्या है 1/4x, देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट इज 3/4x + 3 is equal to 3/4x + 3 राइट, 1/4x नहीं होगा इसका। देन नंबर 20 वी आर डूइंग, 20 में दिया गया है 4x + 5/4x इज इक्वल टू 5। इसमें भी लोग ऐसे ही करते हैं,
4x प्लस 5 अपॉन 4x है, राइट। तो दोनों के अपॉन में 4x आएगा, लोग क्या करते हैं 4x 4x का, तो आंसर 5। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होगा 4x प्लस 5 अपॉन 4x, दोनों के अपॉन में 4x आएगा, 4x बाय 4x, 5 बाय 4x, ये दोनों काट हो जाएगा, तो 1 आएगा, 1 प्लस 5 बाय 4x, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू RHS, राइट। देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे हम, देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट इज 4x प्लस 5 बाय 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 बाय 4x, ओके। देन नंबर 21 वी आर डूइंग, लास्ट वन। 21 में दिया है 7x प्लस 5 बाय 5 इज इक्वल टू 7x, देयरफॉर LHS से स्टार्ट करते हैं हम, 7x प्लस 5 अपॉन 5, जनरली लोग क्या कहते हैं 5 कट, तो आंसर 7x, ऐसा नहीं होता है, लेकिन तो 7x प्लस 5 बाय 5, दोनों के अपॉन में 5 लिखेंगे, 7x बाय 5 प्लस 5 बाय 5, 5 कट तो 1, तो 7x बाय 5 प्लस 1, and that is not equal to RHS, right? RHS में क्या दिया है 7x, therefore again LHS not equal to RHS, therefore correct statement is 7x plus 5 upon 5 is equal to 7x by 5 plus 1, right? This is correct answer. Okay, तो इसके साथ ही हमारा exercise ख़त्म हुआ, video ख़त्म हुआ, okay?